वो कहने इत्थे गुरुद्वारा दुख निवारण साहब है लुधियाने होर गुरुद्वारे भी उत्थे तुसी क्यों नहीं कहिंदे ते तुसी क्यों आलमगीर नूं पहल दिंदे हो। मैं उन्हां नूं कहा भी थोड़ा जिहड़ा दुकान साहब इहनूं बणे नूं किन्ना चिर होया। वो कहने वो हुण 20-25 साल तो बणिया होना, वो फलाना गुरुद्वारा 30 साल तो होना। मैं कहा वो जिहड़ा आलमगीर साहब महाराज किन्ना चिर पहलां आए से, कहने 300 साल हो गया। मैं कहा 300 साल पहलां कलगीधर महाराज ने उत्थे चरण पाए सी, 300 साल पहला उत्थे महाराज ने बैठ के पाठ भी किया, आप परमेश्वर आए ने उत्थे। 300 साल हो गए उत्थे नितनेम होंदे नू, इस करके उत्थों की जिहड़ी पावर हरिमंदर साहब की इस करके पावर ज़्यादा है। अकाल तख्त साहब की रचना जिथे जिथे भी कमाई हुई है, दसवें पातशाह ने श्री हजूर साहब जाके लंगर साहब तो खड़ के तीर चला के खपरा तीर सिटिया से उत्थे, कहने थां साडा। वो मुसलमान परिवार कहना यह तो साडा, महाराज कहने थां पट लो थल्यों साडियां निशानियां निकलणगियां। जो पटिया थल्यों वाकई खड़ावां चिप्पी सब कुछ निकल आया 12 फुट तो जाके। सतगुरु जी कह रहे सतयुग में असीं इत्थे तपस्या करते रहे हैं, ये थां साडा। सतगुरु जी ने तपस्या वाली थां नूं ही दुबारा भाग लाए, जिथे कितें तपस्या होई हुंदी आ उत्थे जाके सतगुरु जी भाग लाउंदे ने। इस करके समा पैण ते हौली हौली मैं कई जगह जांदा, तुसी भी जाओ जाके मत्था टेको उन्हां अस्थानां दे उत्ते, अपने ते बड़ा प्रभाव पैंदा। पुराणियां कई बिल्डिंगां हुण तां ढा के नवीआं बणातीआं, कई पुराणियां बिल्डिंगां में जदों जांदे सी तां अंदर जदों बहिणा एक अजीब जी ठंड महसूस हुंदी आपां नूं, उह इसे करके कि उत्थे बाणी दा प्रभाव बड़ा पिया हुंदा, दर्शनां दे नाल ही कृपा हुंदी। इह बड़ियां डूंघीआं चीज़ां। बस इन्नी गल हुण बाबा ठाक सिंह जी नूं कोई कहिंदा सी बाबा जी आ, उन्हां कहिंदा बाणी पढ़ो बाणी भाई पाठ करो, महापुरश सारी गल नूं नहीं खोलदे है। अच्छा असीं कहिणा हुंदा ठीक है सत बजनी पाठ करदे हैं, पर असीं फिर कहिंदे क्यों काहदे लई इन्ना पाठ क्यों, ये कामयाबी नहीं। महाराज कहिंदे ने पहलां आपां सुणाए मन बेचै सतगुर कै पास ते सेवके कारज रास। मन तां जदों मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं देता फिर क्वेश्चन है ही नहीं मेरे कोल, यह मन विच्चों ही क्वेश्चन उठता, प्रश्न मन विच्चों ही उठ। जब मैं अर्पण करता अपना आप तां फिर उत्थे तां सत बचन तो बिना दूजी गल नहीं है, पर आपां सत बचन कहिंदे ही नहीं, इसे करके आपां कामयाब नहीं हुंदे। मन अर्पण करता बस कम खत्म, मन अर्पी तन अर्पी अर्पी सब देसा। महाराज नूं सारा कुछ अर्पण कर दिए, सतगुरु नूं जो सतगुरु कहिंदे ने सत बचन कह के अगे बचन मानदे जाइए, बस इस चीज़ ही कृपा हो जाती। जिवें अज दी दुनिया है आपां नूं सारी दुनिया यही कहिंदी है जी हुण इहदी की लोड़ है, केसां दी ककारां दी नितनेम दी, ये तो बड़ी दूर दीआं गल्लां ने, ताइयों महाराज तुहानूं नेड़े ही नहीं लाउंदे। जिहड़े बंदे ये कहण लग गए इहदी की लोड़ है, बस वह बंदा तो समझ लो वैसे ही सिख नहीं हैगा जिहड़ा इन्नी गल कह देवे ना महाराज नूं, क्योंकि इहदा मतलब आपां महाराज ते शंका कर लिया। सतगुरु महाराज नूं कदे इस तरह नहीं कहीदा, बस सत बचन ही कहना पैंदा, सत महाराज सत है जी। बाबा लहणा दे रूप च गुरु अंगद साहब ने कदे ना नहीं कीती, हालांकि अज भी लोग ये कहते ने कि किकरां तो भी कदे मिठाइयां झड़ियां, अज भी दुनिया उही गल कहिंदी आ। महाराज ने कहा श्री चंद जी किकर चढ़ के किकर हिलाओ, संगत नूं भुख लगी है और बाहर मीह बड़ा पिया मिठाइयां झड़नगियां, वह भी ये कह के परे हो गए पिता जी क्यों मखौल कराने हो, कदे किकरां नूं भी मिठाइयां लगदियां ने। महाराज ने परख्या, लक्ष्मीदास जी ने परख्या, बाबा लहणा जी नूं सिर्फ इशारा होया, वो फटाफट उपर चढ़ गए किकर दे टाणे हिलाने शुरू करते जोर जोर दी, उत्तों लड्डू जलेबियां मिठाइयां डिगणियां शुरू। वो ते किकर विच कोई ताकत नहीं, ताकत कित्थे है, गुर का बचन बसै जी नाले, गुरु दे बचन विच ताकत है। गुरु नानक जो बोलणगे आपां नूं जे कोई कह देना
नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास। आपां फुले नहीं समाउंदे भी हाँ भी मैं जन हो गया। जिथे अकाल पुरख आप बचन करदे ने उत्थे सारा कुछ उन्हां दे मुखार बिंद विच्चों कहण नाल ही हो जांदा। गुरु नानक साहब ने कहने वो हिलाया नहीं, बचन नहीं किया, झड़िया नहीं। जे मैं थोनों ये समझाउना भी ओंकार अखर कहने सृष्टि रच दित्ती, कीता पसाओ एको कबाओ तिस्ते होए लख दरियाओ, ये गल किधर जानी फिर? तुसी तां कहोगे नहीं होया है, ओंकार कह के सृष्टि नहीं रची। नहीं, गुरु नानक साहब के बचना नाल ही सब कुछ हो जाता है। गुरु साहब कृपा कर देंदे ने, सारा कुछ हो जाता है। महाराज ने क्योंकि एक होंगी करामात, करामात वो होंगी है जिथे कोई व्यक्ति रिधियां सिद्धियां की प्राप्ति करके अपने टौर लई करामात दिखावे। जिथे परमेशर बोलता है ना उत्थे करामात नहीं होंगी, क्यों वो तो हुक्म च ही ब्रह्मंड है। मरदाना भाई कहना भुख लगी है, सतगुरु कहते आ खा ला अंब, कुकड़ियां लगिया सीगियां अक् नू, महाराज खा के मरना। कह रहे मरदाना बचन सत बचन कही था, सत बचन महाराज वो ज्यों ज्यों तोड़ी गए अंब बनते गए, अंब चूप ले। एक बचन किया भी जेब च ना पाई, पर रज के अंब छक के फिर जेब च भी पा ले, इधर भी तो इधर भी, क्योंकि मनिया नहीं। शाम को जब भुख जी लगी, भाई बाला जी अगे अगे आप भाई मरदाना जी हौली हौली पैर जहा हौली कर लिया, कढ़ के जेब चो हौली कि दंदी मार ली। फिर वो जद ही जहर चढ़ गई तो उत्थे ही डिगण लग गया, लिटन लग। वो कहने महाराज मरदाना तो लिटन लग गया, कहने इन्हें बचन नहीं मनिया, ये देख लो इन्हें कहा सी भी ना जेब च पाई। तो इस करके जिहड़ी ताकत है वह बचना दे विच है, जे बचन उन्हां दे बचना नाल सृष्टि की रचना हो सकती है, सृष्टि का नास हो सकता है, तो फिर बचना दे नाल की नहीं हो सकता है। कहिंदे रीठे मिठे नहीं किते, तो बाकी जिहड़े फ्रूटां विच मिठा आया वह कित्थों आ गया? दुनिया भर के फ्रूट मिठा खाने वह कित्थों आया? गन्ने च मिठा कित्थों आ गया? वह भी तो परमात्मा ने मिठा पाया होया गन्ने विच भी। तो महाराज जो मर्जी कर सकते, जो चाहन उही कर सकते ने। इस करके मन के अंदर जिहड़ियां संसार के लोग ने इन्हां दीआं गल्लां नहीं मन्नी दीआं, ये तो बेचारे ऊँ शंका करते रहते ने किसी ना किसी गल ते। इन्हां शंकावां तो सारे जाने परे होवो, सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, श्री सुखमनी साहब के राही जिहड़ा उपदेश इहनूं सरवण करिए। महाराज की कहिंदे ने आपां नूं गुरु अर्जन देव जी, प्रभ बख्शंद दीन दयाल। प्रभु जो प्रभु सत्ता देण वाला है वो बख्शंद है, बख्शंद पिता है, हमेशा सानू बख्श लैंदा है। कोई भी गल हो जाए बस यही है कि आपां निकल नहीं सकते किसी गल चों, आप एको ही गल कहो महाराज सानू बख्श लो, बख्श लो सच्चे पातशाह, क्यों निकल नहीं सकते। दीन गरीबां दे उत्ते दया दा आल घर है, दया दा घर है दीन, वो दीन दयाल जी हन परमेश्वर जी सदा ही बख्श लैंदे ने। आपां गलती सवेरे भी करते हैं, दुपहरे शाम खिन खिन करते हैं, गलती करके हमेशा माफ़ी मंग लो, महाराज गलती हो गई। ताइयों भाई सत्ते बलवंडे की वार रामकली की वार बख्शिश की है, इहनूं पढ़ लो, इहदे नाल गलतियां की माफ़ी हो जाती, सेवा कर लो, बाणी पढ़ लो, ये नाल महाराज बख्श लेंदे ने। लिख है कतह न झूठी है, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श लै नानक पार उतार। महाराज कहने बख्शा लो अपने आप नू। सतगुरु निरंकार जी इस वक्त धरती ते आए हुए ने और सामने बैठे हुण। जिवें मैं वैसे दुनियावी उदाहरण दे दिंदा, कई बार इतने मैं गुरु घर च सुनते सैकटरी साहब बोलते प्रधान साहब कहणगे भी भाई वो उत्थे ऐतवार नूं अंबैसी वाले ने इत्थे आउणा भी, जिहदे जिहदे कोई पासपोर्टां दा होर कागजां दा है वो इत्थे करवा लिओ सारे जाने। तो अंबैसियां वाले आप भी चले जाते
कई थावां ते फिर सारे लोगों का उत्थे कम करे आउंदे जाके भी सारी दुनिया इन्ने पैसे खर्च के जो आउंदी है भी असीं चले जाने उत्थे। आपां कहिंदे भी इत्थे ही आए हुए हुण इत्थे ही बन जाना सारा कुछ ते हुण निरंकार आया होया तुसीं सचखंड ना जा सकते हो ना उत्थे बख्शा सकते हो। एड्डी दूरों वो आप आए ने आप नारायण कला धार जग मह परवरियो निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो तुसी लाहा नहीं लिया तुसी चौर करनू ही समझ भी चौर चौर साहब निरंकार जी नू चौर करी जाओ कोल बैठे वैसे ही बैठे रहो कोल बैण दा वैसे ही फायदा है। कई महाराज आप कहते ने भट आप कहते ने जिस पास बैठिया सो ही है सभना दा वेसा कहते कोल बैठे वैसे ही बंदा सोहना लगता है। गुरु ग्रंथ साहिब दे कोल साध संग जिन बहने से ही सुंदर सोहने साध संग जिन बहने महाराज कहने तुसी कोल बैठे रहो ते बैठन नाल ही ये एक अंदरूनी किरिया होंगी। ब्रह्म ज्ञानी यही चीज़ होंगे ने महापुरश भी यही चीज़ होंगे ने जेडे उन्हां कोल आउंदे जांदे ने। हुण महापुरश को रहना ये बड़ा वड्डा इंटरनेट है उन्हां दे अंदर इन्ना वड्डा ना उन्होंने बंदे नूं ऐ देखना जदों बंदे ने चले जाना उन्हें देख के ही सैटिंग करी जानी है उहदी। बस रोज़ सेवा करदा अज थोड़ी जी कल नूं थोड़ी जी फिर थोड़ी जी सैटिंग करद्या करद्या उहनूं सारा पता हुंदा वी अज इहदा एक्सीडेंट होना अज इहनूं आह तकलीफ आउणी आ कल नूं इहनूं इदां होना भई जे इहनूं फलानी चीज़ ठीक नहीं मिलनी वो जे अज कोई गल होनी है उन्होंने कहना भाई अज घर नहीं जाना है। अच्छा जी हम पता नहीं होंगे अपन भी क्यों ए कहते ने भाई अज तू पाठ कर ल सत भजन जिन्हें सत भजन कह दिया वह बच गया। महापुरशों को मैं ये चीज़ा रह के बड़िया देखिया बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले को मैं गया सवेर न तो एक दिन काफ़ी संगत बैठी मैं की गल हो गई सारे दाज बैठे कहते वह मुंडा एक फैडरेशन का प्रधान है तो वह बड़ा श्रद्धालु सी बाबा जी का बहुत रोकया बाबा जी ने रात भाई ना जा भाई सवेरे चले नहीं बाबा जी जरूर भाई ना जा कोई कारण हुंदा मोटरसाइकिल भी एड्डी तेज़ भजाउणा उहने वह कहते नेरी नाल टाली डिगी हुई जी पता ही नहीं लग्या बस चढ़ाइया कर गया फिर घर दे कहिंदे जी महापुरशां कोल गया सी बुढ़िया रोई जाण भी महापुरश वह कहते मैं तो रोक रहा जी वह ना जा भाई ना जा टल जूगी गल उन्हां नूं सारा उन्हां दे कंप्यूटर ते आ जांदा फिर अगला को तुहानूं किद्दां पता लग गया क्यों कमाई नाल सारा कुछ ही पता लग जाता हरेक चीज़ का उन्होंने ज्ञान बस ये अभी वो गुप्त जी रहिंदे हुंदे ने कोल बैठे रहो। मैं ये गल्लां बहुत चंगी तरह समझदा हुंदा असीं बड़े सालों तो संगत करदे ना वो माड़ी जी गल करदे तां इशारा समझ लईदा अच्छा अच्छा ठीक है भाई अज 40 तो वध गड्डी नहीं भजाउणी हा सत वचन महाराज बस ठीक है नाल 40 ते रखी आ देखदे अज की हुंदा जे 40 ते गड्डी साडी जांदी सी एकदम मूरला टायर पेंचर हो गए गड्डी ऐ नूं खिच के लै गई वह सी 40 ते ही वह रोक ली भी ठीक है। बस आ गल सी कार साडी सी कार लैके गए अपनी ड्राइवर नूं कहिंदे अज इहनां दे मगर मगर गड्डी रख पटियाले तक मैं कहा अज कोई गड़बड़ है भी साडी गड्डी च पिछले दोनों वह गड्डियां इदां ही पहलां हुंदियां सीगियां अंबैसडर पिछले दोनों ही टायर लैके डिग पे उन्हें गड्डी रोक ली कहने ताइयों भेजी है वो ड्राइवर कहना हुण मैं लियाउणा तुसीं बैठो मेरी गड्डी मैं छड्ड के आउणा हरेक गल विच उन्हां दा इशारा हुंदा। मैं ब्रह्म ज्ञानी कुछ भी बोलदे मैनूं उत्थे करंट वजदा कोई गल कहणगे भाई साहब सत्ते बलवंडे वार पढ़ी आ बाबा जी पढ़ी नहीं अच्छा भाई गां नहीं बोलना समझ जो भी मैनूं हुक्म होया भी पढ़नी है तूं ये तेरी गड़बड़ है कोई वो हरेक चीज़ ते इशारे इशारे विच ही गल करदे ने। बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भी यही चीज़ सी तुरे तुरे जाते रामपुर खेड़े रोक गए पिछे रुझा के आनंद साहब कर लिया कर मैं अच्छा जी बस हुण होर नहीं गल करनी आनंद साहब के पाठ करने किन्ने करा जी कर ला 25-50 जिन्ने होंगे मैं हुण ना तो मैं पूछना डरते ने भी की गल है
ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਚਲੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਭ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਂ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਜੋੜਾ ਲਾਹੋ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਕਿ ਇਹੋ ਧਨ ਖੁੱਟ ਨਾ ਨਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਥੱਲੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਬਾ ਆਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਕਿ ਪੇੜ ਗਿਣਨੇ ਆਪਾਂ ਤਰਨਾ ਕਿ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਅਜੀਬ ਕਰਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵਾ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਮੰਨਿਆ ਬਸ ਜੋ ਮੰਨੇਗਾ ਸੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਲੁਕਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਜੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਗਤ ਵਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਛਲ ਇਹ ਅੱਖਰ ਇਉਂ ਬਣਦਾ ਵਾਹਵਾ ਤੱਤਾ ਸੱਸਾ ਲੱਲਾ ਅੱਧਾ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤਾ ਅੱਧਾ ਸਾ ਲਾ ਵਤਸਲ ਵਤਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਛਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਆਲ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸੰਦ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਵਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌ ਉਲਾਮੇ ਦਿਨੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਮਿਲਣ ਸਹੰਸ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਬਸ ਬਸ ਜੀ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਣਾਵੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਊਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਲਈਆਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੋ ਕੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਬਸ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਣਾਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੋ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਔਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਔਗੁਣ ਢਾਕ ਹੀ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲਓ
ये कृपा कर दे भी जिन्नियां गलतियां असीं कीतियां ना महाराज, कृपा कर दे सारियां गलतियां ढक लो, सानू माफ़ कर दे, असीं खिन खिन भूलनहार, असीं हमेशा ही गलतियां करते हैं, असीं गलतियां दे पुतले हैं महाराज, सानू बख्श लेना करो। इओं महाराज साढ़े सानू प्यार करन वाले है अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, वो अनाथा दा नाथ है। अनाथ कौन है? जिहदा कोई भी नहीं है दुनिया च, कहिंदे उहदा नाथ मालक है वह। गोबिंद, गो नाम इंद्रियां दा है, साडियां इंद्रियां दी नूं बिंद हुंदा प्रकाश देण वाला है। गो नाम धरती दा है, बिंद हुंदा रक्षक है, धरती दा रक्षक भी है। गो नाम बुद्धि दा, बुद्धि विच भी प्रकाश दिंदा है। इस करके आपां पढ़िया सी गोबिंदे मुकंदे, मुकंद हुंदा मुक्ति दा दाता। गोबिंदे मुकंदे उदारे, उदार चित होना, दरिया दिल होना, दरिया खुले दिल वाला। गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे, पारावार तो रहत, हरियंग हरे भरे करन वाला, करियंग पैदा करन वाला, निरनामे नाम तो रहत, अकामे कामना तो रहत, चाचरी छंद त्वै प्रसाद। चाचरी छंद हुंदा बिजली दी, जिवें बिजली एकदम लिशक के ऐन एकदम बदलां च गायब हो जाती है, उहनूं कहिंदे चाचरी छंद। बिजली दी लिशक वाला छंद है इह, चाचरी छंद त्वै प्रसाद। छपै छंद शेष पंक्तियां वाला छंद, भुजंग प्रियात छंद सप दी चाल वाला छंद, हर बोल मना छंद। ये तरह तरह के छंद दसवें पातशाह ने बहुत उच्चारण किए ने। अनाथ नाथ, जिहदा दुनिया च कोई नहीं उहदा नाथ कौन है महाराज? ताइयों सतगुरु कहिंदे नमाणियां दे माण, नताणियां दे ताण, न्योटियां दी ओट, न्यासरां दे आसरा, नगत्तियां दी गत, नपत्तियां दी पत, नितिहरियां दी धिर, सारा कुछ गुरु अमरदास जी नूं गुरु अंगद देव ने 12 वार दिते ने। गोबिंद, फिर गोपाल, गो नाम धरती दा, पाल पालना करन वाला धरती दे जीवां दी, सर्ब घटा करत प्रतपाल, सारिया घटा घटा विच थावां थावां ते हिरदियां हिरदियां च प्रतपालना करदा, सारिआं दी हरेक नूं पालदा है। अपना जान करो प्रतपारा, आदि पुरख कारण करतार, आदि काल तो ही आदि पुरख है वह, सारे कारणां नूं करन वाला करतार। करतार कित्थों पैदा होया? अखर करता, सारी सृष्टि दा करता है करतार। कर नाम हथ दा, तार नाम तार दा। जिहदे हथ विच रोजी रूप तार पकड़ी हुई, जिहदे हथ विच सत्ता रूप तार पकड़ी हुई है। भगत जना के प्राण आधार, भगत जना दे प्राणा दा आधार आसरा है वाहिगुरु। प्राणा दा आसरा भगतां दा कौन है? भाई मती दास नूं कहिंदे पिंजरा, सो कहिंदे आरा चलाउणा हुण तेरे सिर ते, आखरी इच्छा कहिंदे मेरा मुख गुर पिंजरे वल कर दिओ, मेरी निभ जाए प्रीत पुराणी, कहा मती दास बलवीर ने। कहिंदे ज गुरु साहब वल मेरा मुख कर दिओ, चंद चकोर प्रीत लागी, नौवें पातशाह दर्शन ते उधरों जपजी साहब आरा चल गया, पता ही लग्या। क्यों? क्योंकि इन्ना प्यार है गुरसिख दा सतगुरां नाल। जो जो जपै सो होए पुनीत, जेड़ा जेड़ा भी जपदा है सुनते पुनीत, कहते पवित्र सतगुर रहिया भरपूरे। आनंद साहब रोज़ पढ़ते हैं, आप इत्थे भी पढ़ते हैं, वैसे भी नितने भी तुसीं आनंद साहब पढ़ दिओ, तुसीं बस सारी बाणी पढ़नगे, कथा सुनगे, कीर्तन सुनगे, फिर आके कहणगे कृपा करो नाम दी, उत्थे सारा कुछ लिखिया तो होया बाणी च, हुण तुसीं गाहां की चाहुंदे होर? जद आनंद साहब च लिखिया अखीर ते भी आनंद सुनो बडभागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, कदों सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भए सरसे सहत रस दे हो गए। ये गल कित्थों जानी? पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत आनंद साहब नूं
सुनन वाले पुनीत कहते पवित्र 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 पुनीत तीन बारी पवित्र कहने फिर पुनीत बनता। सतगुर रहा भर पूरे सतगुरु व्यापक नजर आन लग पिया। बिनवंत नानक गुर चरण लागे बेनती पूर्वक फरमाते जिहड़े गुरु के चरणों नाल लागे ने उन्हां दे अंदर की होया वाजे अनहद तूरे खुशी दे वाजे बज पे। बधाइया मन बजिया वाधाइया महाराज कह रहे उन्हें मन के अंदर फिर खड़ाओ आ गया है। वधाइया बज पिया खुशी दे वाजे बज पे नाम की बरखा आने लग पी है। महाराज जी हुण इत्थे उही जिहड़ी आपां शुरू च बचन कीता सी नौ प्रकार की भगती तो प्रेमा भगती तो भी उत्ते है भावना की भगती। भगत पाए लावे मन हीत मन दा हीत प्रेम लावे प्रेमा भगती तो भी ताहां पाए भगत विच भगती करे। भावना की भगती हुंदी है ये तुहाडी भावना ते है। बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले नूं पुछिया उत्थे महीने के बाद अभ्यासी इकट्ठे हुंदे सारे कदे कदे असीं भी जांदे सी महीने बाद टाइम रख्या सी ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਐਤਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਹ 30 ਜਣੇ 40 ਜਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹਾਲ ਸੀ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਬਿਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਐਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਖੜ੍ਹੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਾ ਦੇਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰਗ ਵਿਭੂਤ ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤਹਿ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ 300 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਓ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਧੰਨੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰਗ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰਗ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ
दुकालं परणासि दयालं सरू सदा अंग संगे दुकालं परणासि सदा अंग संगे। इओं अपने अखां बंद करके वाहिगुरु करी जाओ, दिल की भावना बना लो। थोड़ा जा करना पैंदा, थोड़ा जा वो कमरे जिहड़े तुहाडे घरां च बने भगती वाले, उन्हां कमरियां विच जे तुसीं भावना बनाउंदे हो, एक सुच्चा कंबल बिछा लो, सराहणा रख लो, एक उत्थे बैठ के नियम नाल